नमस्कार, स्वागत है आपका एजे क्लासेस में। मैं अजय सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या नॉर्मली पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 860 किलोमीटर, बी 870 किलोमीटर, सी 880 किलोमीटर, डी 890 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर टू है, मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ए 602 किलोमीटर, बी 603 किलोमीटर, सी 604 किलोमीटर और डी 605 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 605 किलोमीटर मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, बी 2 दिसंबर, सी 3 जनवरी, डी 1 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस दिन मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी और राज्य का पुनर्गठन भी जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो 1 नवंबर को हुआ था, इसलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? ए जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ था। सन 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी दतिया, डी इंदौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दतिया में मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका स्थापित हुई थी सन 1970 में। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? ए पीथमपुर, बी सिगरौली, सी मंडीदीप और डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीथमपुर को मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र है, यह धार जिले में है, यहाँ अधिक कारखाने हैं, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का डेट्राइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी पांचवा, सी दूसरा और डी तीसरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है। पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर एट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर और डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, और सबसे छोटा संभाग है शहडोल, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, मध्य प्रदेश का सेवा आयोग मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी रीवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में मध्य प्रदेश का सेवा आयोग मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर टेन है, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए दतिया, बी मुरैना, सी इंदौर या डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा विवाद किस घाटी के संबंध में है? ए गिरार घाटी, बी धूपगढ़ घाटी, सी समुद्र घाटी, डी मोरवा घाटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गिरार घाटी के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा विवाद है, यह अमरकंटक में पाई जाती है, अमरकंटक गिरार घाटी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए बांधवगढ़, बी पन्ना सिंह संजय राष्ट्रीय उद्यान और डी कान्हा किसली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? ए शिवपुरी, बी बालाघाट, सी भोपाल और डी जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्वालियर के किले को मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? ए डेट्राइट, बी जिब्राल्टर, सीसान और डी नवरत्न। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को, मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए दतिया, बी शहडोल, सी उज्जैन, डी धार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थापित है, एशिया का और भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? ए सतना, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर, बी अवधेश प्रताप सिंह, सी रानी दुर्गावती और डी बरकतउल्ला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हरि सिंह गौर मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना सागर में सन 1946 में हुई थी, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 18 है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गिरार, बी कंचनजंगा, सी अमरकंटक और डी धूपगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश में इसरो का एक क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थित है? इसरो का एक क्षेत्रीय केंद्र किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए रीवा, बी ग्वालियर, सी भोपाल, डी बैतूल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में इसरो का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थित है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण किस जिले में स्थापित है? ए गुना, बी सीधी, सी पन्ना और डी अशोकनगर। प्रदेश में भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण, यह ऑप्शन नंबर ए गुना जिले में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? ए बैतूल, सी बी बड़वानी, सी सतना और डी शहडोल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बड़वानी, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, सोने की तार की साड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ए गुना, बी अशोकनगर, सी झाबुआ और डी हरदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोकनगर में सोने की तार की साड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ किस स्थान? तो चंदेरी, यह काफ़ी फेमस है, चंदेरी में जो है तो सोने की तार की साड़ी बनाई जाती है अशोकनगर में। क्वेश्चन नंबर 23 है, एकमात्र रेप्टाइल पार्क प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप। ए कान्हा किसली, बी बांधवगढ़, सी संजय, डी पन्ना। तो इसका राइट आंसर है डी, पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जो है तो रेप्टाइल पार्क प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान जो है तो इसमें स्थित है रेप्टाइल पार्क, सब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 24 है, गेहूं का भंडार किसे कहा जाता है? ए विंध्य, बी बुंदेलखंड, सी मालवा और डी महू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालवा गेहूं का भंडार कहा जाता है राज्य का। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किसे कहते हैं? ए सांची, बी चंदेरी, सी मंडीदीप और डी पीथमपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांची को बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहते हैं। यहाँ गौतम बुद्ध से संबंधित कई साक्ष्य और उनका स्तूप है, सांची स्तूप बौद्ध जगत की सबसे पवित्र नगरी है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26 है, तानसेन की नगरी किसे कहते हैं? ए भोपाल, बी इंदौर, सी ग्वालियर और डी सतना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए संजय, बी फॉसिल, सी पन्ना और डी कान्हा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉसिल, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रदेश में बैंक प्रेस नोट कारखाना कहाँ है? ए छिंदवाड़ा, बी सिवनी, सी बालाघाट और डी देवास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, देवास। क्वेश्चन नंबर 29, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है? ए 11, बी 12, सी 13 और डी 14। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11। क्वेश्चन लास्ट है 30 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का संगीत नगर किसे कहते हैं? ए सांची, बी मैहर, सी मालवा और डी पचमढ़ी। तो संगीत नगर किसे कहते हैं, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर जिसे पता है वह कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।